दोस्तों इमारत अथवा ऊंचाई जो विजेताओं की पहचान मानी जाती है। आपने प्राचीन काल के बारे में सुना होगा कि हर कोई राजा अपना किला अथवा महल ऊंचाई तक बनाना चाहता है। इसके अलावा कोई तो ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने अपना किला ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचे पहाड़ों पर बनाए थे, क्योंकि ये सब करने से हर कोई अपना दबंग ऊंचाई में दिखाना चाहता था। दोस्तों उसी प्रकार आज के युग में लोग अपनी ऊंची ऊंची इमारत बनाते हैं। यदि किसी देश की पहचान पूरी दुनिया में बनानी है तो उसके ऊंची इमारत अथवा पूंजीपति होना बेहद जरूरी है। आपको बताना चाहेंगे, ऊंची इमारत के मामले में हर कोई देश पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी के चलते दुनिया में कई बड़ी ऐसी इमारतों का निर्माण भी किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, दुनिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी में हमारा देश भारत भी काफी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसी के चलते हुए आज हम बात करने वाले भारत में बनने जा रही 10 गगनचुंबी इमारत के बारे में। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। दोस्तों भारत की 10 इमारत पूरी तरह बनने के बाद ये इमारत दुनिया की सबसे खूबसूरत और ऊंची इमारतों में से एक मानी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो बना के लेके आते रहे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अभी इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो कि दुबई में स्थित है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है, इस इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। इसके अलावा इसमें 154 फ्लोर है। इसके अतिरिक्त 9 फ्लोर और है जो कि अभी मेंटेनेंस में, परंतु दोस्तों कुछ समय के बाद ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसका खिताब किसी और इमारत के हाथ में जाने वाला है। दोस्तों हम बात करने वाले जेडा टावर की। जेडा टावर जो कि सऊदी अरब के जेडा शहर में स्थित है, अभी ये इमारत बन रही है, इसका कार्य चालू है। सूत्रों के अनुसार ये इमारत पूरी तरह 2022 तक पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। तो इस इमारत की ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी, इसमें से 168 फ्लोर होंगे। चलो दोस्तों अब बात करते हैं भारत में बनने जा रही 10 इमारतों के बारे में। दोस्तों ये सभी इमारत बनने के बाद में भारत की GDP के बढ़ावे के साथ भारत को इमारतों का देश भी कहा जाएगा। दोस्तों भारत में बनने जा रही सबसे बड़ी इमारत जिसमें से नंबर 10 पर आती है पीरामल आर्यन ने, ये इमारत मुंबई में स्थित है। तो ये इमारत मुंबई के रामबाबू भोगले मार्ग पर बन रही है। इस इमारत की ऊंचाई 281 मीटर होगी यानी 921 फीट होगी। इस इमारत में कुल 69 फ्लोर होंगे। दोस्तों नंबर 9 पर इंडिया बुल्स स्काई फॉरेस्ट, ये इमारत मुंबई में स्थित है, मुंबई के लोअर परेल जगह पर बन रही है। दोस्तों इस इमारत की ऊंचाई 281 मीटर यानी 922 फीट है। इस इमारत में कुल 80 फ्लोर होंगे। दोस्तों नंबर 8 पर इंडिया बुल्स की इंडिया बुल्स स्काई सूट जो कि मुंबई में स्थित है। आपको बताना चाहेंगे, ये भी इमारत इंडिया बुल्स स्काई फॉरेस्ट के बराबर बन रही है जो कि लोअर परेल में स्थित है। इस इमारत की ऊंचाई 281 मीटर जो कि इंडिया बुल्स फॉरेस्ट की तरह होगी, सेम फ्लोर होंगे। दोस्तों नंबर 7 पर नोएडा की जानी मानी इमारत सुपर टेक सुपरनोवा जो कि नोएडा के 94 सेक्टर में बन रही है। इस इमारत की ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट है। इस इमारत में कुल 80 फ्लोर है। नंबर 6 पर मुंबई की लोखंडवाला मिनरवा इमारत जो कि मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित है। आपको बताना चाहेंगे, इस इमारत की ऊंचाई 307 मीटर यानी 1007 फीट है। इस इमारत में कुल 90 फ्लोर है। दोस्तों नंबर 5 पर नमस्ते टावर जो कि मुंबई में बन रहा है, ये इमारत मुंबई के लोअर परेल स्थान पर बन रही है। ये इमारत नमस्ते के आकृति का होगा। इस इमारत की ऊंचाई 310 मीटर यानी 1017 फीट है। आपको बताना चाहेंगे, जब इमारत बनने के बाद में दुनिया की अद्भुत इमारतों में से एक बन जाएगी। इस इमारत में कुल 63 फ्लोर होंगे। नंबर 4 पर आती मुंबई की प्लेसेस रॉयल, ये मुंबई के वर्ली स्थान पर बन रही है। इस इमारत की ऊंचाई 320 मीटर होगी यानी 1050 फीट होगी। इस इमारत में 88 फ्लोर होंगे। नंबर 3 पर आता दी इम्पीरियल 3 जो कि मुंबई के तारदेव स्थान पर बन रही है। आपको बताना चाहेंगे, इस इमारत की ऊंचाई 355 मीटर होगी जो कि 1165 फीट के बराबर होगी। इस इमारत में कुल 116 फ्लोर होंगे। दोस्तों नंबर 2 पर मुंबई की 360 वेस्ट टावर जो कि मुंबई के वर्ली स्थान पर बन रहा है। इस इमारत की ऊंचाई 361 मीटर यानी 1185 फीट है। इसमें कुल 90 फ्लोर है।
जैसे कि दोस्तों आपने सभी इमारतों के बारे में जाना, परंतु एक इमारत सुपर टेक सुपरनोवा जो कि नोएडा के अलावा सभी इमारतें मुंबई में बन रही है, तो इसी कारण से मुंबई को भारत की ऊंची इमारतों वाला शहर भी कहा जाता है। परंतु दोस्तों नंबर एक पर भी मुंबई में बनने जा रही है भारत की सबसे बड़ी इमारत, जिसका नाम है वर्ल्ड वन टावर। यह इमारत मुंबई के लोअर परेल जगह पर बन रही है। इस इमारत की ऊंचाई 442 मीटर यानी 1450 फीट है। इस इमारत में कुल 117 फ्लोर होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस इमारत की खास बात यह कि यह इमारत दुनिया के सबसे ऊंची रेजिडेंसी इमारतों में से नंबर एक पर होगी। जानकारी के अनुसार बताना चाहेंगे इन सभी इमारतों का कार्य 2023 तक पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा, इसके कारण भारत की GDP को अत्यंत बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों आपको सबसे अच्छी कौन सी इमारत लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।